रामपुर के रोहनी चौक में आ चुका हूँ और हमारे साथ करीना है जो अभी थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही है और ठंड लग रहा है तो चादर भी कह रही है कि चादर जो है वो ओढ़ा दीजिए। अभी करीना ठीक हो तुम? पेट तनका तनका दर्द कर रहा है। कितना लोग आया है आपके पास में? बहुत लोग आया है। मदद कितना लोग किया है? सब मीडिया लोग किया है ना? सब कोई किया है? एक दो को कौन कौन किया है? नाम नहीं पता है बचिया को जो है, नाम नहीं पता है किसको किसने किसने जो है मदद किया हुआ है। और गांव के लोग पूरा यहाँ पे इकट्ठा है, इन लोगों को पता है कि आखिर में वो कौन इंसान है जिसने मदद किया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बिहार के बड़े बड़े नेता लोग जो अपने आप को बिहार का मसीहा कहते हैं, पप्पू यादव जी, चिराग पासवान जी, तेजस्वी यादव जी, आप लोग कहाँ है? ये एरिया तो आप ही का है जहाँ पे आप चुनाव में वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन इस बच्चिया को जो है आप इलाज क्यों नहीं कराते हैं? इसके अलावा यहाँ के मुखिया जी, विधायक जी और सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि बच्चिया के लिए एक बार जो है आइए और आकर जो है मदद कीजिए। नहीं तो मैं कहना चाहूंगा घर पर बैठ के जो है चूड़ी पहन लीजिए, वही आपके लिए बढ़िया। चूड़ी और साड़ी पहन के डांस कीजिए, आपको भी पैसा मिलेगा। सही कह रहे कि नहीं भैया? चूड़ी पहन लेना चाहिए कि नहीं? नेता लोगों को पहन लेना चाहिए। पहनना चाहिए कि नहीं भैया? पहनना चाहिए, जो बिल्कुल चाहिए। आ रहे हैं जो मदद नहीं कर रहे हैं उनको चूड़ी पहनना चाहिए कि नहीं? आप लोग दीजिएगा कि नहीं चूड़ी? साड़ी दीजिएगा कि नहीं? महिला लोग देख लीजिए हमारे नेता लोग, आइए यहाँ पे आपको आपको साड़ी और चूड़े पहनने को मिल जाएगा और आकर यहाँ तमाशा कीजिएगा, आपको भी पैसा मिल जाएगा। नहीं तो आइए बच्चिया का जो है जान जरूर बचाइए। छोटे से बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। बाबू ये बताओ, जिंदगी मौत से जूझ रही हो कि नहीं? जीना चाहती हो कि मरना चाहती हो? जीना चाहती हो। जी के क्या कीजिएगा? नौकरी लेंगे। और यह देख लीजिए, इस बात पर ताली बजाओ। आठ साल की बच्ची है, इसको खुद नहीं पता है कि इसका इलाज होगा कि ये नहीं होगा और कह रहे है कि मुझे जीना है और सरकारी नौकरी लेना है। क्या बात है, सरकारी नौकरी लेके क्या करोगी? सब कुछ करोगी, बिहार बदल दोगी पूरा? क्या बात है, छोटी सी बच्ची बिहार बदलने की बात कर रही है। पिताजी इनके यहाँ पे है, आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए कितना लोग आया है मदद करने के लिए हमारे पास? आपके बाद मीडिया वाला वगैरह आले हैं। हाँ। और जैसे नेता लोग कोई नहीं आए सर जी। मैं तो कहता हूँ नेता लोगों से सबसे हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, इधर कहिए सर, इधर कहिए, सब शर्माएगा उन लोगों को। मैं तो नेता लोगों से यही कहता हूँ, अरे मेरी बच्ची है, गरीब की बच्ची है, बचा लीजिए, कैसे करके बचा लीजिए। नहीं बचे तो इसको ले जाइए जी, मैं दे दूंगा। और क्या, और क्या करूंगा सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। चार महीना से काला पानी कुछ नहीं खा रही है सर जी। हाँ, चार महीना से अन्न पानी सब छोड़ ले सर। क्वेश्चन में यहाँ पे जो मीडिया लोग आ रहे हैं वो लोग आपको मदद कर रहे हैं कि आर्थिक सहयोग दे रहे हैं? हाँ, मीडिया लोग आ रहे हैं, कुछ मदद करते हैं, कुछ नहीं मदद करते हैं जी। हाँ जी। और मुखिया जी आए थे बगल में? घर है कहाँ घर भैया? बगल में आए थे कि नहीं मुखिया जी? नहीं आए। विधायक जी? कोई नहीं आए। कोई नहीं आए। वार्ड वाला भी? वार्ड सदस्य? वार्ड सदस्य बाकी लोग जो है नहीं आते? नहीं आते सर। अब एक बताइए, अस्पताल ले गए थे, डॉक्टर ने कितना खर्चा की बात किया है आपसे? क्या ठीक हो जाएगा? खर्चा का तो अपनी कोई बात नहीं किया है सर। हाँ, करीब 10 लाख रुपया की जरूरी है सर, कैसे करके मेरी बेटी को बचा लो सर। मतलब डॉक्टर साहब ने आपसे कहा है कि 10 लाख रुपया जो है बच्ची को बचाने में लगेगा? लगेगा। कितना है आपके पास जेब में? मेरे पास तो एक भी नहीं है सर। महाराज दिखाइए, 10-20 लाख जो होगा जेब में, खोल के देखिए। एक भी नहीं है सर मेरे पास। होगा, देखिए 10-20 लाख जेब में होगा। सुबह से सर मैं काला। देखिए ना महाराज, 10-20 लाख होगा जेब में, निकालिए ना।
सवेरे से मैं खाला पानी सब कुछ त्याग ले हूँ सर। मैं मतलब आपके पास पैसे नहीं है? नहीं है सर, मेरे पास पैसा होता है 10-20 बीघा जमीन तो होगा ही। अरे सर इतना ही होता था तो मैं खुद राजा जी। मैं अपना शरीर बेच के इलाज करा दूंगा, मगर मेरी बेटी को कैसे करके बचा लीजिए सर। आपको अपनी बेटी की चिंता है, आप अपने आप को पिता जो होते हैं भगवान की तरह होता है, अपने बेटा बेटी के लिए जो है अपना शरीर भी दाव पे लगा देते हैं। इसका जीता जागता सबूत जो है करीना के पिताजी है, जो अपने बेटी को बचाने के लिए जो है अपना शरीर बेचने के लिए जो है उतारू हो चुके हैं। लेकिन एसी में बैठने वाले और बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वाले, स्विस बैंक में उनका अकाउंट होगा, वो 1000-10000 जो है इनको कोई मदद नहीं कर सकते। पता क्यों? क्योंकि वो इनसे भी ज्यादा गरीब है। उनके पास